क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ्स का पेपर यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके इसके पहले हम आपके 3 सब्जेक्ट्स के पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, आज आपका लास्ट पेपर है। तो जिस तरीके से आपने अभी तक बहुत अच्छे से पेपर्स दिए हैं, आज आपका लास्ट पेपर भी आपको उसी तरीके से फुली प्रिपेयर्ड होकर बहुत अच्छे तरीके से देना है। पेरेंट्स ध्यान दें कि ये पूरा पेपर आप अपने बच्चों के पास बैठकर उन्हें सॉल्व करवाइए। फर्स्टली आप ऊपर बॉल पेन की हेल्प से फुल नेम यहाँ पर राइट कीजिए, आप स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम एंड सर नेम आपको यहाँ पर राइट कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्लास राइट करनी है। आइए हम आपका पेपर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट द नंबर नेम इन इंग्लिश। यानी कि यहाँ पर आपको जो नंबर्स डिजिट्स दिए हुए हैं उन डिजिट्स की आपको इंग्लिश में स्पेलिंग राइट करनी है। फर्स्ट है आपका 75, नेक्स्ट 36, 80, 28 एंड 54। आपको इन सभी की स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखनी है, यानी कि आपको 75 की फुल स्पेलिंग, 36, 80, 28 और 54 की स्पेलिंग लिखनी है। ध्यान रखिएगा कि ओनली फर्स्ट लेटर आप यहाँ पर कैपिटल, यानी 75 में आपको केवल 70 का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल बनाना है। इसी तरीके से सारे नंबर्स में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ओनली फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखें, बाकी सारे वर्ड्स आपको स्मॉल रखने हैं। सेकेंड है आपका सर्कल द करेक्ट नंबर। यहाँ पर आपको नंबर नेम दिया हुआ है, यानी कि स्पेलिंग आपको दी हुई है। आपको ये स्पेलिंग अपने बच्चे से रीड करवानी है, आपको फिंगर रखवाते हुए ये स्पेलिंग NINETYFIVE, आपको ये स्पेलिंग अपने बच्चों से रीड करवानी है, उसे आइडेंट समझानी है। और फिर ये जो स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है वो डिजिट इन यहाँ के 4 डिजिट 39, 95, 83 और 46, इन 4 डिजिट्स में से जो करेक्ट डिजिट यहाँ पर है, जो स्पेलिंग का जो करेक्ट डिजिट यहाँ पर है, आपको उस डिजिट के ऊपर सर्कल बनाकर इसे कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आगे EIGSTY EIGST ये स्पेलिंग आपको रीड करवा कर करेक्ट नंबर पर सर्कल लगवाना है। आगे आपको नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है, इसमें भी आपको स्पेलिंग रीड कर करेक्ट नंबर पर सर्कल लगाकर इसे कंप्लीट करना है। अगला आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पर आपको आफ्टर और बिफोर नंबर राइट करते हुए इसे पूरा करना है। इसके पहले आपको यहाँ दिया हुआ है 69, 41, 94, 83, 78 एंड 73। आप यहां पर बैकवर्ड काउंटिंग या रिवर्स काउंटिंग के थ्रू भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 69 का बिफोर मीन्स होता है पहले वाला, तो 69 का बिफोर आपको यहां राइट करना है। एज इट इज़ 49 बिफोर, 41 बिफोर, 94 बिफोर, 83 बिफोर, 78 बिफोर एंड 73 बिफोर आपको राइट करते हुए इसे कंप्लीट करना है। अगला है आपका आफ्टर नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर मीन्स होता है बाद वाला नंबर, पीछे वाला। तो आपको 41 आफ्टर, 81 आफ्टर, 72 आफ्टर, 39 आफ्टर, 94 एंड 44 आफ्टर नंबर्स यहाँ पर राइट करते हुए इसे कंप्लीट करना है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान रखिए, आपको बहुत आराम से पेरेंट्स ध्यान रखिए कि आपको समझाते हुए एक एक क्वेश्चन उन्हें समझाते हुए कंप्लीट करवाना है। किसी तरीके की आप जल्दबाजी ना करें, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पेपर स्टॉप कर पहले रिवीजन करवा दीजिए, फिर आप उन्हें पेपर स्टार्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट मीनिंग होता है सबसे छोटा। यहाँ पर आपको 2 रो दी हुई है, जिसमें फर्स्ट रो में आपको 15, 20, 93, 43, 43 एंड 14 इतने नंबर्स दिए हुए हैं। इन सभी नंबर्स में आपको स्मॉलेस्ट नंबर सर्च कर उसके ऊपर सर्कल करवाना है। एज इट इज़ सेकेंड में आपको 77, 83, 47, 20 एंड 16 आपको दिया हुआ है। आपको इसमें से भी स्मॉलेस्ट नंबर, जो आपका सबसे छोटा नंबर है, उसे सर्च कर उसके ऊपर सर्कल लगवा कर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो है पुट द करेक्ट साइन लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल। आपको यहाँ पर करेक्ट साइन का यूज़ कर इसे कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन यूज कर कर इसे कंप्लीट करना है, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसके बड़े नंबर और जो छोटे नंबर और इक्वल, और अगर दोनों नंबर अगर समान है तो उस तरीके के नंबर आपको पहचान अपने बच्चों को करवानी है, और फिर यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन का यूज़ कर कर इसे कंप्लीट करवाना है, जिसके लिए आपको नंबर्स दिए हुए हैं 36, 43, 41, 16, 84 एंड 84, 69, 80, 93, फिर 34, 49, 49, 40 एंड 30, 62 एंड 70, इन नंबर्स के बीच में आपको साइन लगा कर इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, राइट नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन। आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस काउंट कर कर राइट करने हैं। आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको ये पिक्चर्स के फ्रैक्शंस अपने बच्चों को एक्सप्लेन करवाने हैं, और यहाँ पर नंबर्स राइट कर फ्रैक्शन राइट बॉक्स में फ्रैक्शन राइट करवा कर इसे कंप्लीट करवाना है। आपका क्वेश्चन मैक्स के पेपर का पेज नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप पेज टर्न कर लीजिए। पेज नंबर 2 पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपका सेकेंड पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट में आपको टेबल्स के थ्रू इसे कंप्लीट करवाना है, जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है 2 8s are, तो आपका 2 का टेबल 8 टाइम्स काउंट करा कर यहाँ पर आंसर राइट करवाना है। सेकेंड है 3 7s are, यानी कि आपको 3 का टेबल 7 टाइम्स काउंट करा कर राइट करना है। नेक्स्ट है 4 9s are, नेक्स्ट इज 2 5s are एंड 4 4s are, तो आपको ये सारे नंबर्स इन नंबर्स के टेबल काउंट करवा कर यहाँ पर करेक्ट आंसर फिल करवा कर इसे कंप्लीट करवाना है। सेकंड आपको दिया हुआ है 92, यानी कि आपको स्पेलिंग यहाँ पर दी हुई है, ये स्पेलिंग्स आपको बच्चों से रीड करवा कर इन स्पेलिंग्स का जो करेक्ट डिजिट है आपको वो डिजिट बॉक्स में राइट करवा कर इसे कंप्लीट करवाना है। थर्ड नंबर पर की रो में आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है 4 7s, यानी कि आपको यहाँ पर टेबल राइट करवाना है। आपको टेबल काउंट 4 7s are, यानी कि आपका 4 × 7 4 7s are का आंसर आपको राइट करना है। नेक्स्ट है 2 5s are, यानी 2 5s are, 2 का टेबल आपको 5 टाइम्स काउंट करा कर लिखवाना है। 3 6s are, नेक्स्ट है आपका 2 9s are, तो इस तरीके से आपको टेबल काउंट करवा कर यहाँ पर आंसर फिल करवा कर इसे कंप्लीट करवाना है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट रिवर्स काउंटिंग 75 to 56। आपको 75 से रिवर्स काउंटिंग राइट करना है, स्टार्ट करना है 56 तक, तो आपको यहाँ से 75 के बिफोर नंबर की काउंटिंग, बिफोर नंबर राइट करते हुए 56 तक काउंटिंग कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आंसर इन 1 word। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको 1 word में आंसर राइट कर कर उसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका हाफ ऑफ चपाती, यानी कि चपाती का हाफ अगर हम करेंगे तो उसका फ्रैक्शन हम यहाँ किस तरीके से लिखेंगे आपको वो राइट करना है। सेकंड, सिंबल ऑफ एडिशन, एडिशन का जो साइन होता है वो कैसा होता है। थर्ड, एनी 2-digit number, आपको कोई सा भी नंबर जो 2-digit का हो वो यहाँ इस बॉक्स में राइट कर कर बताना है। फोर्थ, विच नंबर इज लेसर, 49 और 80, 49 और 80 में लेसर यानी कि छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, आपको इन दोनों नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर राइट कर कर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ दिया हुआ है, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर नंबर प्लेस करने हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट वाला आपको दिया हुआ है 74 43 54 20 एंड 92, आपको इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं आपको उसमें प्लेस कर कर इसे कंप्लीट करना है। सेकंड है 39 84 79 68 एंड 52, आपको इसे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर कर यहाँ पर आंसर राइट करना है। ध्यान रखिएगा आपको हर नंबर के बीच में कॉमा लगा कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द फॉरवर्ड नंबर्स।
आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर्स कंप्लीट करने हैं। आपको 87 और 30 दिया हुआ है, जिसके बाद आपको 6 डिजिट राइट करने के लिए दिया हुआ है। तो आपको 87 के आफ्टर की लाइन कंप्लीट करते हुए इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका क्लास फर्स्ट का हिंदी मैथ्स का पेपर कंप्लीट होता है। आपकी आज यहाँ पर 4 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, कल आपको एक एक्स्ट्रा डे दिया जा रहा है। थर्सडे के दिन आपको स्कूल में आपके सारे पेपर अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको स्कूल में सबमिट करना है।